मात्र प्रदेश हरियाणा बन चुका है जिसका खुद का दूरदर्शन केंद्र नहीं है। जी हाँ, हिसार से दूरदर्शन केंद्र के अंतिम प्रसारण की तिथि आ चुकी थी 15 जनवरी, उसके बाद से प्रसारण जो है चंडीगढ़ से होने शुरू हो चुके हैं। आपको बता देते हैं, साल 2002 के अंदर दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत हिसार के अंदर की गई थी, लेकिन अब जो है जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं टेम्परेरी और परमानेंट, उनके गले के ऊपर तलवार लटकी ही नहीं बल्कि उनका गला जो है वो काट दिया गया है। अब ये भी एक फैसला लिया गया है कि जिनकी ड्यूटी लगेंगी उनको हिसार से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, लेकिन इतिहास के अंदर पहली बार एकमात्र ऐसा प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हिसार के बस स्टैंड के ऊपर किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता देते हैं कि दूरदर्शन केंद्र को बचाने के लिए हिसार के बस स्टैंड के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दूरदर्शन बचाओ के गाने चला करके दूरदर्शन को बचाने की कोशिशें की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर बस स्टैंड की बात की जाए तो बस स्टैंड के प्रधान भी है, वो भी समर्थन दे रहे हैं, साथ ही साथ कई एसोसिएशन समर्थन दे रही है, महिलाएं जो है वो समर्थन देने के लिए आज यहाँ पर पहुंची है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि लगातार जो है वो दूरदर्शन के लिए नारे लगते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। Hey,
मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि हिसार से दूरदर्शन जाना कितनी बड़ी चोट है हमारी धरोहर को? देखिए, सबसे बड़ी चोट दूरदर्शन का जाना ही है, क्योंकि हमें दूरदर्शन सबसे बाद में मिला था। 29 के 29 राज्यों का जब दूरदर्शन मिल गया था, सबसे बाद में 2002 में मिला था। लेकिन जब दूरदर्शन छीनने की बात आती है तो हरियाणा से सबसे पहले छीना जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी ज्यादती, सबसे बड़ा भेदभाव केंद्र की सरकार और सबसे बड़ा। आप राजनीति से जुड़ी हुई है, दुष्यंत चौटाला के परदादा के स्मृति के अंदर ये बनाया गया था, क्या लगता है ना दुष्यंत चौटाला ने आवाज उठाई, ना ही हिसार के एक डिप्टी स्पीकर, दो मंत्री ने इसकी आवाज उठाई? देखिए, दुष्यंत चौटाला तो आवाज उठाने के लिए बना ही नहीं है। जिस दिन वो आम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके केंद्र सरकार के साथ मिले थे, केंद्र सरकार सुषमा स्वराज के साथ खिलवाड़ कर रही है और हरियाणा सरकार तो ताऊ देवीलाल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पोता और तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की को अमर रखने के लिए ये जगह बनाई गई थी, आज उस जगह को लीज पर देने की बात ये सरकार कर रही है, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? मंजू सिंधु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि दूरदर्शन शिफ्ट हो चुका है, लेकिन जमीन की अगर बात की तो जमीन जो है वो बहुत ज्यादा पैसों के अंदर बेचने की बातें कही जा रही है, क्या आपको मालूम है किसको बेच रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं? मैम, इतना तो अभी नहीं पता किसको बेच रहे हैं, लेकिन ये साफ हो गया कि मंशा यही है कि जमीन को लीज पे देंगे या बेच देंगे। क्योंकि जब हमने उनको कहा कि आप हिसार वाला चंडीगढ़ शिफ्ट करो, इसकी बजाय चंडीगढ़ वाला हिसार शिफ्ट कर दो, तो बात ये सुनने में आई कि वो जमीन ऑलरेडी लीज पे उन्होंने ली हुई है, ये जमीन इनकी खुद की है, तो इसको लेके सेल कर देंगे, वहाँ लीज पे चली रही है। क्या लगता है कि ये जमीन के अंदर ऐसा क्या छिपा हुआ है कि सरकार इसको बेच करके पैसा जो है वो अपना लेना चाहती है? मैम, जग जाहिर है, ये सरकार यही चाह रही है। जैसे प्राइम लोकेशन पे वो जमीन है सेक्टर 13 में, एकदम एंट्री करते ही, तो मे भी उनको ये लगा कि लोकेशन भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है, तो हो सकता है बेचते हैं। बिल्कुल, और भी जो है वो भी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। नीलम सुंदर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीलम जी, मुझे ये बताइए, आप लगातार ऐसे धरने प्रदर्शनों के अंदर साथ देती है, पिछले काफी समय से दूरदर्शन केंद्र को भी आप लोग देखते हुए आए, आपको क्या लगता है इसकी जमीन जो है वो कौन हड़पना चाह रहे हैं? इसकी जमीन जो है वो साफ पता चल रहा है कि सरकार हड़पना चाह रही है। अगर दूरदर्शन यहाँ पे होगा तो क्या उनके कोष में कमी आ जाएगी क्या? या यहाँ बड़ा बड़ा मॉल बनाना चाहते हैं क्या? एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा वहाँ पे कार्य होता है, तो वो बचाए क्यों ना उनसे? और रहा सरकार का, सरकार की तो मंशा है ही, इस सरकार की साफ साफ शब्दों में यही मंशा है, जो अच्छी चीज दिखे उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, ये जनहित में नहीं है ये बातें। कामिनी मलिक भी इस वक्त वहाँ से मौजूद है। कामिनी जी, मुझे ये बताइए, लगातार ये भी सुनने में आ रहा था कि जो दूरदर्शन का स्टाफ है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, या फिर रिपोर्ट जो है वो सही नहीं जा रही थी, क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से दूरदर्शन केंद्र हिसार का बंद कर दिया गया? नहीं, ये मेन मुद्दा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे थे, मेन जो वजह है इसकी है कि जमीन यहाँ बहुत बड़ी है और ये यहाँ के स्थानीय नेताओं के मुँह से अपने आप ही बात निकली है कि जमीन बहुत बड़ी है, इसलिए क्यों ना इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए या इसका निजीकरण करके निजी संस्थाओं को बेच दिया जाए, मेन वजह इसकी ये है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं काफी सारे लोग जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देख लीजिए, मुझे ये बताइए, ये जो दूरदर्शन केंद्र इस वक्त बंद हो चुका है, इसका प्रसारण चंडीगढ़ से शुरू हो चुका है, लग रहा है कि ये इस तरीके से प्रदर्शन करके दोबारा से हिसार शिफ्ट हो पाएगा? मैडम, आज पर संसार चलता है, हमें आश है, हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है हमारी मांग सफल हो जाए और हमारा दूरदर्शन बच जाए। अगर स्टाफ की बात की जाए, सिर्फ महिला स्टाफ ही धरने के ऊपर बैठी हुई नजर आती है, लगभग जो और स्टाफ है वो क्यों नहीं आता है धरने के ऊपर? नहीं, सारे कर्मचारी आते क्यों नहीं, सभी। अगर न्यूज एंकर्स की बात की जाए तो भी दो ही न्यूज एंकर जो है वो आमतौर के ऊपर यहाँ पर दिखाई देती है, लगभग कुल मिलाकर के शायद 12 से 15 जो है न्यूज एंकर है वो भी नहीं आते हैं। वो शायद इन्होंने अपनी ट्रेन लगा रखी हो, ट्रेन वाइज आती हूँ, सभी कोई खुश नहीं है इसको दूरदर्शन के शिफ्ट होने से। सभी आगे का कदम क्या रहने वाला है? आगे हम इसे को जन जन तक पहुंचाएंगे, अभी बस स्टैंड पे किया, कभी गांव में करेंगे, कभी और करेंगे, हर जगह हम इसको इसकी आवाज उठाएंगे। तो आपको बता देते हैं, हिसार के दूरदर्शन केंद्र को बचाने के लिए हर जगह जो है वो आवाज उठाई जाएगी। हमारे साथ मान जी भी मौजूद है। मुझे ये बताइए कि दूरदर्शन केंद्र को दोबारा से बचाने के लिए, हिसार वापस लाने के लिए आगे का क्या कदम रहेगा? अगला जो हमारा जो कदम है, ये जो आज कार्यक्रम है, जनता के बीच में जा रहे हैं
और जनता को बता रहे हैं कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो कि यूपी के अंदर 6 केंद्र हैं, राजस्थान में 4 हैं, महाराष्ट्र में 5 हैं, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, अलग अलग जो हमारी यूटियाँ हैं वहाँ पर एक एक है, क्या इतने डुब्बा पड़ गई, क्या हमारा हरियाणा की जनता ने गुनाह कर दिया कि एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया। और हम जनता में कहना चाहते हैं, जनता में कहना चाहते हैं हमें कि जनता का जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है इसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्य तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं जनता से अपील है कि हिसार में 3 विश्वविद्यालय हैं, हरियाणा में टोटल हमारे 13 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं, हिसार के 3 हैं, HAU जो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा सेक्टर हमारा है जो किसानों का कार्यक्रम मतलब चलाता है यहाँ से, दूसरा हमारा कार्यक्रम भैया LLRU एनिमल की पशुपालन की इंडस्ट्री है, पशुपालकों के जानकारी देने के लिए कि पशुओं को क्या क्या देना चाहिए, कितना दूध बढ़ेगा, तीसरा हमारी GJU है तो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन का बच्चे कोर्स करते हैं, यहाँ पर डिग्री लेते हैं और 1 साल के अप्रेंटिस दूरदर्शन में करते हैं, अब ये बंद कर दिया तो वो बच्चे अप्रेंटिस करने के लिए कहाँ जाएंगे। दूसरा हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा का इतिहास है, हरियाणा का हमारा दूरदर्शन है, उसको बचाने के लिए हमारा आज ये 5वां कार्यक्रम है और आने वाले 2-4 दिन के अंदर हम जिला मुख्यालय पर बैठेंगे और यही महिला कार्यक्रम होगा और जनता को साथ जोड़ करके ना मजबूर करेंगे, तमाम सांसदों को MLA मंत्री ज्ञापन दिए, अगला कार्यक्रम रहेगा और जनता की आवाज़ बना करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दलबीर किरमारा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी से यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं। दलबीर जी मुझे ये बताइए, दूरदर्शन केंद्र बंद होने का युवाओं के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल जो है हिसार के अंदर था जहाँ पर युवा प्रैक्टिस कर सकते थे। देखो ये दूरदर्शन केंद्र है ना, ये खेतीबाड़ी के लिए, युवाओं के लिए हर तरह से जनहित में था और लगातार जो दूरदर्शन केंद्र बचाओ जो संघर्ष समिति है 20 दिन से लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही और इनको बातचीत के लिए भी बुलाने के लिए तैयार नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है जब से BJP की सरकार केंद्र में या यहाँ प्रांत में आई है तभी से सरकारी विभागों के ऊपर और सरकारी ज़मीनों के ऊपर इनकी नज़र लगाए हुए हैं और धीरे धीरे करके जिस प्रकार से पहले BSNL एयरपोर्ट, रोडवेज, बिजली बोर्ड, रेलवे सभी को बेच के अब मात्र दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में एक ही था, इसकी 8-9 एकड़ ज़मीन है, इसके ऊपर गिद्ध वाली नज़र सरकार की लगी हुई है इस ज़मीन को बेचने के लिए और प्रदेश की जनता को जो इससे मिलने वाली दूरदर्शन से जो सुविधाएं थी उनसे वंचित करके, चाहे वो कृषि के बारे में बताते थे, चाहे खेलों के बारे में, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, इससे युवाओं को बहुत बड़ा एक झटका लग रहा है। लेकिन हम जिस प्रकार से सभी संगठन, जनसंगठन, राजनीतिक पार्टियाँ इसमें आगे आ रही है, इसी प्रकार से आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि दूरदर्शन को बचाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता को इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। तो आपको बता देते हैं आज हिसार के बस स्टैंड के ऊपर प्रदर्शन किया गया है, वहीं अगर दूरदर्शन के कर्मचारियों की बात की जाए तो इनका कहना है कि करोड़ों की जमीन दूरदर्शन की कोड़ियों के भाव के अंदर बेची जा रही है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी विभाग को बचाने के लिए जो है हिसार के बस स्टैंड के ऊपर इस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रदर्शन का असर जो है वो कितना होने वाला है, क्योंकि अब जो है चंडीगढ़ से प्रसारण शुरू हो चुका है, लेकिन क्या वो चंडीगढ़ का प्रसारण बंद करके दोबारा से जो है हिसार से प्रसारण किया जाएगा, क्या हिसार से प्रसारण होना शुरू हो पाएगा, या फिर जो है इनकी आस सिर्फ आस बन करके रह जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपकी यादें कितनी जुड़ी है दूरदर्शन से वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के बस स्टैंड से। नमस्कार।